साथियों मैं आग्रह करूंगा, मोदी मर गया, मोदी मर गया। नमस्कार, नेशनल इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं इस वक्त बुराड़ी के निरंकार मैदान में मौजूद हूँ। लगातार जिस तरीके से किसान प्रदर्शन अब उग्र होता जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से किसानों की मांग है वो अपने मांगों पे अड़े हुए। हमारे साथ अभी कुछ किसान मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सर, आपका नाम? मेरा नाम कुलदीप धालीवाल है। असी पंजाब तो आए हैं। जेड़ा आम आदमी पार्टी का किसान विंग है, ओदा मैं स्टेट का उप प्रधान है। तो असी सारे साथी कल दे जिहड़ा किसान अंदोलन भारत के किसानों को लड़िया जा रहा, जिहदी अगवाई पंजाब के किसान कर रहे, असी उहदा सहयोग करन वास्ते इत्थे दिल्ली पहुँचे हैं। राती 10 बजे पहुँचे असी, और एक जबरदस्त जंग है जिहड़ी पंजाब का किसान लड़ रहा, और ये जंग जिंदगी मौत की जंग है। और केंद्र सरकार नूं मतलब जिहड़ा वो झुकना पऊगा, और मोदी नूं चाहिदा कि वह तिन्ने बिल जिहड़े किसान विरोधी बिल है उन्हां नूं वापस लवे, किसानां दीआं मंगां नूं मन्निया जावे। बहुत लखां किसान जिहड़े अजे पिछे सड़कां ते है। अज इत्थे जिहड़ी ग्राउंड अलाउ कीती है कि किसान इत्थे आके इकट्ठे हो जाण, और जो अज असी देखिया अरविंद केजरीवाल जी ने जो प्रबंध किया, पानी का, टॉयलेट्स का, लाइट का, खाण पीन का जिन्ना प्रबंध किया, लाजवाब है। और जे लोगों का कोई चीफ मिनिस्टर होना चाहिए तो इदा का चीफ मिनिस्टर होना चाहिए जिदा का दिल्ली का चीफ मिनिस्टर है। सो असी बड़े खुश हैं, पंजाब वाले, पंजाब का किसान बहुत खुश है कि अरविंद जी केजरीवाल जी ने जिहड़ी किसानां दी इस वेले औखे टाइम पर बाँह फड़ी है, जिहड़ा साडी आमद का स्वागत किया। असी सदा इन्हां दे ऋणी रहांगे, और मोदी नूं इह वार्निंग देनी चाहुंदे आ कि वह अपनियां नीतियां बदले, अपना हंकारी जिहड़ा रवैया उहनूं बंद करे, ते पंजाब दे ते देश दे किसानां दीआं जायज़ मंगां जिहड़ियां उहनूं मन्निया जावे। और खट्टर सरकार की असी घोर निंदा करदे हां जिन्हें पूरे हरियाणा दे विच किसानां नूं डक्कण लई। लेकिन सरकार कह रही है, बीजेपी सरकार कह रही है किसानों के हित में बिल है, फिर क्यों विरोध हो रहा है? उन्होंने पूछो किहड़े किसानां दे हित च है? सारी ते हिंदुस्तान का किसान सड़कां ते है। किहड़े किसान जथेबंदी नूं पुछिया? किहड़े किसान लीडरां नूं बिल बनाउण लग्गिया सद्या गया? अपने लो करके कल्ली बीजेपी कही जाती है जी किसान हैसी है, बाकी कौन कह रहा इंडिया च? इस करके बीजेपी झूठ बोल रही है, मकार कर रही है, गदार है जिहड़ी हिंदुस्तान के किसानों ने धोखा कर रही है, उन्हां दी पिट छुरा मार रही है। एक किसान अन्नदाता है, किसानों ने पूरे हिंदुस्तान नूं अन्न दिता है, और ये पहला प्रधानमंत्री है जिहड़ा चिट्टे दिन झूठ बोल रहा है। एडा चीटर प्रधानमंत्री कोई दोबारा शायद हिस्ट्री दे विच ना आवे जिन्ना मोदी है। सो इस करके बिल्कुल बिल जिहड़े किसान विरोधी ने बिल जिहड़े आ ए प्राइवेट जिहड़े पब्लिक सैक्टर है उन्हें खत्म करके, तो जिहड़ा कारपोरेट घराने उन्होंने हक के विच है। साडी जमीन खोड़ी चाहते हैं, साडी मां धरती नूं खोड़ना चाहते हैं, साडियां फसलों नूं खोड़ना चाहते हैं। असी बिल्कुल बिल्कुल नहीं खोन देंगे। जिदा पंजाब दे विच्चों अंग्रेज कढ़े शहीद आजम भगत सिंह ने, उधम सिंह ने, करतार सराभे ने, उस तरह ही पंजाब की धरती से मोदी के कहे अदानी अंबानी का पैर नहीं पैन देंगे, भावें जिनी मर्जी बड़ी जंग जिहड़ी है वो सानू लड़नी पवे। अगर ये बिल वापस नहीं होता है तो आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? नहीं, हमारा अगला कदम यही है, हम इधर से नहीं जाएंगे। मोदी सरकार का जीना हराम कर देंगे हम जिन्ना चिर तक वो बिल वापस नहीं लूगी। हमारा अगला कदम क्या, हम पहले इतने इकट्ठे होंगे, फिर हमारी जथेबंदियों के किसान जो है जो भी आगू जो बैठ के फैसला करेंगे, हम सब लोग उसकी हिमायत करेंगे जो भी फैसला करेंगे। पर एक फैसला पक्का हिंदुस्तान के किसान का कि जिन्ना चिर तक बिल वापस नहीं दे उन्ना चिर तक असी इस तरह अपनी जद्दोजहद जंग जड़ी है वो जारी रखेंगे। आप इस पूरे प्रकरण को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, पंजाबी जी बोला, हाँ देखिए, दो ढाई महीने से जो किसान है पंजाब में जितना संघर्ष कर रहे हैं, मतलब ट्रैक्स पे बैठे हुए हैं, तो मोदी के कानों में जू नहीं सरक रही। अब यहाँ आना पड़ा मोदी को सुनाने के लिए, यहाँ आना पड़ा कि जितने कानून है ये तीनों आपको वापस लेने पड़ेंगे, नहीं तो हम यहाँ से उठेंगे नहीं, और ख़त्म जब तक आप वापस नहीं लेंगे हम यहाँ बैठे रहेंगे।
आप कहते हैं देखो सर, मोदी सरकार ने जो भी काम किए मजदूर और किसानों के, किसी भी स्टेट में देख लो, हर स्टेट में इसने मोदी सरकार ने मजदूर और सरारों के विरोधी किया है। अभी ये जो बिल है किया इन्होंने, ये किसानों के पहले बताया जा रहा था विरुद्ध है मोदी को 6 महीने से पहले जब बताया जा रहा, हमारा भगवंत मान जी MP साहब भी बोल रहे थे कि किसानों के विरुद्ध है, लेकिन BJP सरकार नहीं मान रही थी किसानों के हक में, एक किसानों को झूठा लालच दिया गया था। लेकिन सरकार कह रही है तो किसानों के हित में है। नहीं, सरकार ऐसा झूठा लालच दे रही है, लॉलीपॉप दे रही है सरकारें, लेकिन ये जो अंडानी अंबानी उनके हक में है। तो हमारे चैनल के माध्यम से मौजूदा सरकार को क्या कहेंगे? हम तो यही चैनल के माध्यम प्रेस को यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप भी किसानों का ज्यादा से ज्यादा साथ दो, क्योंकि आप भी किसान परिवारों से और मजदूर परिवारों से हो, ज्यादा से ज्यादा आपको भी साथ देना चाहिए। हर एक महकमे को, हर एक पुलिस अफसर को, पुलिस के जितने भी सिपाही महकमा, हर एक किसी को भी किसानों का साथ देना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना।